हाय फ्रेंड्स, मैं सीमा जायसवाल, आपकी अपनी दोस्त यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड हेल्दी किचन से। दोस्तों, जो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के पास भी मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप भी मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखना शुरू कर दें। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सामने हम जो भी नई रेसिपीज लेकर आते हैं या नई वीडियोस लेकर आते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारी वीडियोस पहुँचे और उसका बेनिफिट वो लोग भी उठा सकें। और दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। दोस्तों, अंडा करी मैं अंडे की नहीं बनाऊँगी, मैं प्योर वेज अंडे बनाने जा रही हूँ और ये प्योर वेजिटेरियन खाना है। अंडा मैं भी नहीं खाती हूँ। अंडा करी मैं बनाऊँगी पनीर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के अंडे, बहुत टेस्टी और यम्मी एक न्यू पनीर डिश। आप इसे बना बना के खाएंगे, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जब आप ये बना के खाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि पनीर के अंडे कैसे लगते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं किचन की ओर, बनाना सीखते हैं पनीर के अंडे। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के अंडे। बेफिक्र रहिए, पनीर के अंडे प्योर वेज हैं, इसमें किसी भी अंडे का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें हमने सिर्फ पनीर का ही यूज़ करना है। तो पनीर के अंडे बनाने के लिए ये मैंने 2 टेबल स्पून चने की दाल ली है। ये देखिए, 2 टेबलस्पून चने की दाल है। इसको मैं पानी से अच्छी तरह से 5-6 बार वॉश करके 1.5-2 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारी दाल फूल जाए। दोस्तों, चने की दाल भीग चुकी है, आप देख रहे हैं कितनी फूल गई है। सबसे पहले मैं चने की दाल को अपने फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट करूँगी। इसका मुझे थोड़ा सा पानी सुखाना है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, चुटकी भर हल्दी, मामूली सी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको मैं मिला दूंगी। दाल का पानी बिल्कुल सूख गया है, इसके अंदर मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं इस दाल को थोड़ा सा ठंडा करूंगी, फिर मैं इसको मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड करूंगी। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर दिया है। इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच भर के मैदा, क्योंकि पनीर को हमें जोड़ना होगा तो मैदा हमारी हेल्प करेगी पनीर को बाइंड करने में। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ अरारोट, ये इसमें क्रिस्पी टोन लेकर आएगा। और 1 चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ चावल का आटा, ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली मैदा और अरारोट भी मिला सकते हैं। अगर मैदा नहीं है तो आप चावल का आटा मिला सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी भर काली मिर्च, क्योंकि हमने आगे मसाले में भी मसाले डालने हैं, फिर मसाले बहुत तीखे हो जाएंगे। और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं इसमें डालूंगी वाइट नमक, मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटर लेयर पे भी नमकीन टेस्ट आए, नहीं तो अगर हम इसमें नमक नहीं डालेंगे तो फिर हमारी आउटर लेयर जो है वो फीकी हो जाएगी। अब हमने इसको सबको मिक्स कर लेना है। पनीर के अंदर ये जो मैंने मैदा, चावल का आटा और अरारोट डाला है, इसमें पनीर का हमने बहुत बढ़िया सा डो बनाना है। हमने इस डो को अच्छी तरह से चिकना कर लेना है, ऐसे मत मत के, ताकि हमारी जो पनीर की बाइंडिंग है वो बनी रहे। हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे।
थोड़े से और छोटे कर देते हैं। इस तरह से हमने बॉल बनानी है सारे। ये जो हमारी चने की दाल है इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये चने की दाल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब ये जो हमारा पनीर है इसके हमने इस तरह से छोटे छोटे बॉल बनाकर इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा डूंगा कर देना है और इस चने की दाल की हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, स्टफिंग करनी है। जैसे कचौड़ी में हम लोग मसाला भरते हैं वैसे ही हमने इसको भरना है, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर के अंडे और पनीर के अंडे का जो अंदर का जो वो होता है हिस्सा वो होता है येलो, तो हम अंदर से इसको भी येलो बनाएंगे और बाहर से इसको वाइट बनाएंगे। इसको हम अंडे की शेप दे देंगे इस तरह से। बाकी सारे भी हमने ऐसे ही भर लेने हैं। दोस्तों ये अंडे तो मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये मैंने मैदा ली है, इसको हम थोड़ी सी मैदा की कोटिंग कर देंगे ताकि जिस समय हम अंडे ये फ्राई करें, अभी हम इसे फ्राई करेंगे तो हमारे अंडे तेल में फटे नहीं। अच्छी तरह से हम इसकी कोटिंग कर देंगे और इसको इसमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम अपने अंडों को फ्राई करेंगे। मैंने अपने पनीर के एग्स को मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। हमारे थोड़े थोड़े लाल हो गए हैं ये। दोस्तों मैंने ये पनीर के अंडों को निकाल लिए हैं। आप इसे स्नैक्स में भी खा सकते हैं, लेकिन आज तो हमने इसकी बनानी है पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। अब हम अपने मसाले की तैयारी करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने ये दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, एक हरी मिर्च है और मेरा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। हम प्याज, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सी में एक साथ पीसेंगे और टमाटर की प्यूरी हम अलग से बनाएंगे। आपके सामने ये 2 बिग साइज के टमाटर हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। 3 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। मेरा ऑयल गरम हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर हींग, आधी चम्मच जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना ऑनियन, अदरक मतलब जिंजर, ऑनियन और हरी मिर्च का पेस्ट। आधी चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक पेस्ट। दोस्तों अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप ऑनियन भी नहीं खाते हैं तो ऑनियन मत डालिए। आपको टमाटो प्यूरी की क्वांटिटी फिर डबल करनी पड़ेगी। आप टमाटो प्यूरी में भी ये एग करी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे पहले। थोड़ा हमें इसमें तेल ज़्यादा ही लेना पड़ता है क्योंकि जो प्याज है वो हमारे तेल को पीने लग जाती है। बाद में छोड़ देती है ऑयल, लेकिन एक बार वो तेल को पी जाती है। थोड़ा सा इसमें ऑयल और डाल रही हूँ। मेरी ये लहसुन प्याज भून चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने टमाटो प्यूरी को। अभी मेरी गैस हाई फ्लेम पर है। मैं इसे आधे मिनट के बाद ही मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी क्योंकि टमाटो प्यूरी मैंने इसमें डाली है तो मेरा ऑयल जो है वो ठंडा पड़ गया है एकदम से, इसलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे किया है।
मैं अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पे करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मेरा टमाटर भी भुन गया है, थोड़ा रिड्यूस हो गया है पहले से। अब मैं अपने इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं और नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। मसालों को हम मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को भूनेंगे। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, इससे हमारी कढ़ी का जो टेस्ट है वो इन्हेंस होएगा, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। कस्तूरी मेथी मैं सबसे लास्ट में भी डाल सकती थी, लेकिन मैं मसालों के साथ इसलिए डाल रही हूँ कि कस्तूरी मेथी भी हमारी मसालों के साथ ही भुन जाए। आधी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च, मसाले बहुत बढ़िया भुन चुके हैं। मैं इसमें अब ऐड करूंगी अपना नमक, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें नमक, मिला देंगे। दोस्तों मैं इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून मलाई डालने जा रही हूँ, मेरी फुल क्रीम दूध की मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें 1 कप दूध डाल सकते हैं। दूध कोई भी हो सकता है, टोंड है या फुल क्रीम, कोई भी आप दूध डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, बिल्कुल जरा सा। मैं भी इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, मुझे मेरी मलाई कम पड़ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। दोस्तों ये मेरा टमाटो प्यूरी जो मैंने मिक्सी में पीसी थी, मिक्सी के चारों तरफ पेस्ट लगा रह जाता है, ये मेरा वो वाला पानी है। सबसे पहले मैं इस पानी को डालूंगी इसमें और हाई फ्लेम करके हम इसको बॉईल करेंगे। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको पतली पसंद है पतली रखिए, गाढ़ी पसंद है गाढ़ी रखिए। हमारी ग्रेवी में उबाला आ गया है, हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि जो हमने पानी डाला है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। मेरी एग करी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है कस्तूरी मेथी की, मसालों की। अब हम अपने जो हमने पनीर के अंडे बनाए हैं उसको हम अपनी इस ग्रेवी में छोड़ेंगे। और इसमें एक उबाला दिलवाएंगे। थोड़ी सी मैं इसमें अपनी फ्रेश क्रीम मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों पनीर के एग बनकर रेडी हो चुके हैं, करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जरा सा मक्खन, वो जरा सा मक्खन डाल रही हूँ। इससे क्या है इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी, टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसे सर्व करेंगे अपनी प्लेट में। दोस्तों प्योर वेजिटेरियन पनीर के अंडे बनकर रेडी हो चुके हैं, एग करी बनकर पनीर की रेडी हो चुकी है। मैंने इसे सर्व कर दिया है और ऊपर से ये पनीर को क्रश करके इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया पत्ती डालेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे पनीर के अंडों की या पनीर के एग की रेसिपी कैसी लगी? पनीर की डिश ही है, हमने इसको पनीर के अंडे की
रेसिपी का नाम दे दिया है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।